नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल के जहांगीराबाद पुलिस ने एक महिला को राजस्थान के झालावाड़ा के बमीना से बरामद किया है। वह करीब 5 दिन पहले घर से लापता हो गई थी। महिला के पीछे पीछे राजस्थान पुलिस भी आ गई। महिला के बारे में पता चला है कि उसे करीब 1.5 लाख रुपए में बेचा गया था। राजस्थान में महिला और उसके साथियों पर मानव तस्करी की धाराओं में FIR दर्ज की गई। अब पुलिस इस मामले में जानकारी में जुट रही है। जानकारी के मुताबिक महिला अपने 2 बच्चों के समेत परिजनों के साथ रहती है। वह 5 दिन पहले अचानक से लापता हो गई थी, तो उसकी गुमशुदगी महिला के सास ने जहांगीराबाद थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब उसकी जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह किसी गिरोह से जुड़ी थी जो राजस्थान में अविवाहित युवक से शादी करवाती है। लापता महिला भी पहले से शादीशुदा थी और यहाँ आकर भी उसने दूसरी शादी कर ली थी। इसी कड़ी में महिला की शादी एक युवक से कराई गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले भी महिला ऐसा कर चुकी है। इस मामले में झालावाड़ा की बमीना पुलिस जाँच कर रही है। उधर भोपाल DCP प्रियंका शुक्ला ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने गिरोह की सरगना सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक सोहेल नाम का ब्रोकर भी शामिल है जो लड़कियों से मिलवाता था। उससे वहीं पूछताछ की जा रही है। ये थाना जहांगीराबाद अंतर्गत एक माँ ने अपनी 30 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर जब जहांगीराबाद पुलिस उसकी लोकेशन राजस्थान में मिलने से पहुंची, वहां से उस युवती को दस्तयाब किया गया। फिर जब उनको यहाँ पर लाया गया, इसमें अभी तक ये तथ्य सामने आए हैं कि ये महिला जो है एक गिरोह के रूप में काम करते हैं। ये लोग शादी करवाने के लिए जो इनकी बेटी है उसको भेजते हैं, और ये लड़की चूँकि पहले से शादीशुदा है और बच्चे भी हैं इनके, उसके बाद ये शादी करवाते हैं उसकी, और कुछ दिनों बाद वह अपने घर पर कुछ शादी का या कुछ कार्यक्रम का बहाना बना करके गहने लेकर के आ जाते हैं, और ये झूठे नाम से अपना नाम परिवर्तित करके जाते हैं यहाँ पे, और फिर वापस आकर के अपने मोबाइल नंबर वगैरह सब बंद कर लेते हैं। इस तरह से ये दो जगह फ्रॉड ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये राजस्थान में भी इन्होंने इसी तरह की कोशिश की थी। इसके विरुद्ध जो राजस्थान वाले जो पक्ष है, उन्होंने बकानी थाना जो है वहाँ पे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक FIR इनके विरुद्ध में कराई है। इसमें कुछ महिलाओं को भी भोपाल से गिरफ्तार लेके गए, उनकी क्या भूमिका रही है, पूर्व में उनके भी क्या इसी तरह के रिकॉर्ड रहे हैं? इसमें राजस्थान पुलिस ने अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक इस गिरोह की मास्टरमाइंड है, एक सोहेल करके लड़का है जो कि ब्रोकर है। जब किसी राजस्थान में किसी को शादी करनी होती तो वो ब्रोकर के जरिए पता लगाते हैं, तो सोहेल का रोल यहाँ पर भोपाल में एक ब्रोकर के रोल में ही था, जिसने दोनों पार्टियों को आपस में मिलवाया था। इस तरह से वो अभी तक 3 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है। जो महिला लापता हुई थी वो पूर्व में भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुकी है, कहाँ पे दिया है इसने? पूर्व में ये 2 जगह इस तरीके का फ्रॉड कर चुकी है। एक बीनागंज में इस तरीके का फ्रॉड किया है इसने, और एक हरदा में इस तरीके का फ्रॉड किया है। इसकी माँ की कहीं ना कहीं ये भूमिका में रोल है इसमें? अभी राजस्थान पुलिस के द्वारा इसमें पूछताछ की जा रही है। बकानी थाने में इनका 420/406 IPC के अंतर्गत प्रकरण दर्ज है, तो जो भी तथ्य राजस्थान पुलिस के उसमें आएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।